चलिए तो हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर्स। अगला है, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1940 में। अगला है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेवी किपलानी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? 1940 में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला है, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत क्या था? अतिवादी संगठन। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ये थे लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? लुई फिशर। अगला, चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला, कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? दीन बंधु मिश्र ने। अगला है, बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित था? सन्यासी विद्रोह पर। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर फेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपना लगा? ये था अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? आमार सोनार बांग्ला। अगला है, 1929 में लेडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। अगला है, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हरम से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? तो ये शाह अब्दुल्ला अजीज ने। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल वो फील्ड जासमती का संबंध किस आंदोलन से था? वारदौली आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, विनायक दामोदर दास सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? अभिनव भारत से। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। अगला है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो 20 फरवरी 1947 को। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये थे क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये थे वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या था? किसान। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। अगला, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। अगला है, वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? यह था रामोसी किसान आंदोलन। अगला
अगला है दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विराजानंद। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में सुधार लाने उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? अहमदिया आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। अगला है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों का अनुमोदन कांग्रेस किन अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920। अगला क्वेश्चन है, सूर सैन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। अगला है, रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई 1919 में। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? पूना पैक्ट से। अगला क्वेश्चन है, टाउन कोर में वहां के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया? तो एक कंपनी की बढ़ती ज्यादातियों के विरोध। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? 1857 के विद्रोह से। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1898 में कहाँ के दरबार में किया की थी? इलाहाबाद के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? करौली। अगला क्वेश्चन है, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हैविट। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो ये थे सर सैयद अहमद खान को। अगला क्वेश्चन है, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, सूर सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो ये था चटगांव आर्म्स डकैती की। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वलिया में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये थे चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अगला है, 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, मैक्सवेल बेमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? वारदौली सत्याग्रह से। अगला है, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी के। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके समानांतर सरकार की स्थापना की थी? चित्तू पांडे ने। अगला है, समानांतर सरकार में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ थी? सतारा की। अगला है, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। अगला है, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, किसने जाना जाता है खुदाई खिदमतगार के नाम से? तो याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह कथन किसका है? पी रॉबर्ट्स का। अगला है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। अगला है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में। अगला है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? 1920 में बी.आर. अंबेडकर ने। अगला है, वर्ष 1907 में सात में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो ये था सूरत अधिवेशन। अगला है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये रॉलेट एक्ट का लगना।
अगला, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के। अगला है, 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः है अशोक मेहता और वीर सावरकर। अगला है, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? महारानी का घोषणा पत्र 1858। अगला है, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1918 में बीपी वाड़ियन द्वारा। अगला, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे M.N. राय।